अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान अपना अगला मैच भारत के खिलाफ 16 जून को खेलेगा। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में ये मेला सजेगा। एक इंटरव्यू के अंदर सबक उदान वसीम अकरम का सरफराज अहमद को टिप्स देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ जरूरतमंद फैसले करने होंगे और शेरों की तरह टीम की क्यादत करनी होगी। कप्तान को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने कौन सी प्लेइंग 11 मैदान में उतारनी है, इसलिए उसको जरूरतमंद फैसले करने होंगे। वसीम अकरम का सरफराज अहमद को इस मैच में खौफ से बालातर होकर खेलना पड़ेगा। प्लेयर को भी शिकस्त का खौफ जहन से निकाल कर मैदान में उतरना होगा। जरूरी है इंडिया के खिलाफ मैच में एक रोज पहले ही टीम को फाइनल कर लिया जाए, ताकि प्लेयर को पता होना चाहिए कि ताकि वो जहनी तौर पर तैयार हो जाए। एक सवाल में वसीम अकरम से पूछा गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से मैच क्यों हार जाता है? इस क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं होता। जो टीम मैदान में उतरी होती है उसको माजी का कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ उसी मैच के लिए मैदान लड़ रही होती है। अगर पाकिस्तानी टीम को इंडिया की टीम से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के पास अच्छी बॉलिंग लाइन है, बट लाइन लेंथ का खास ख्याल रखना होगा और बैट्समैनों को जिम्मेदाराना इनिंग खेलनी होगी और एक बड़ा स्कोर करना होगा, विकेट बचाकर रखनी होगी और फील्डिंग पे भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और फील्डिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मैच जितवाने में। अगर हम इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया के पास अच्छे स्पिनर हैं और फास्ट भी अच्छी बॉलर हैं, उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। जबकि बैटिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास काफ़ी गहराई तक अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। माहिरों के अंदाजे के मुताबिक इंडिया के मैच 70% जीत जाएगा। पूरी दुनिया के शायकीन की इस क्रिकेट मैच पे नज़र है पाकिस्तान और इंडिया के अलावा। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के शायकीन हैं तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।